I'm kind of glad you didn't pick up. Hello my YouTube family, welcome to my new vlog. कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रा। मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही है सब। आज मम्मी सुबह 4 बजे उठी है, 4 बजे के तब से सब कर रही है, बस हो गया। आज यहाँ पे भगवान, सारे भगवान सच सवर के बैठी है। यहाँ मैया जी, आज गोपाल जी मेरे कितने सुंदर लग रहे। ड्रेस मम्मी बनाई थी गोपाल जी के लिए खुद से। सब यहाँ पे रेडी हो गया, अब पूजा का। ओम मैया रानी आ गए, जयकारा लगाओ रे चुनरिया माँ की, रेशमी डाल लगाओ रे। ओ मैया रानी आ गए, जयकारा लगाओ रे। यहाँ पे आरती हो रहा है। गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। मैं छत पे आई हुई हूँ भगवान रूम। सुबह के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि पूजा वूजा में पाठ वाठ में लग गए थे, इस वजह से अभी मैं आई हुई हूँ। अभी हम जाके पहले कीर्तन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद आरती करेंगे, उसके बाद मम्मी का रिकॉर्डिंग करेंगे गाना का। तो अभी आपको मम्मी के चैनल में रोज़ मैया का गाना मिलेगा, रोज़ 10 दिन तक, ठीक है? तो प्लीज़ उस चैनल को जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और मैं आ गई हूँ आरती करने के लिए। सुबह को मैं साड़ी पहनती हूँ क्योंकि मैं जब पूजा पाठ करती हूँ तब मैं साड़ी पहन लेती हूँ, फिर मैं बाद में सूट पहन लेती हूँ। तभी कीर्तन हो चुका है, अब बस मैया रानी का आरती होगा। बच्चा लोग नीचे भी आरती कर रहा था। श्री कपूर गौरम कर्णावतारम संसार शारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बजे 8:30, बच्चे लोग सब खाना खा रहे हैं अपने अपना। मैथिली खाना अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा। नवरात्रा के वर व्रत कैसे क्या बहुत अच्छा लग रहा है। कि मम्मी का तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से देख रहे हैं आप लोग गाइस जो थोड़ा मम्मी का चेहरा सूख गया है, क्योंकि मम्मी को कल नवरात्रा से एक दिन पहले से ना मम्मी को थोड़ा बुखार हो गया था। बाहर गए हम लोग तो हरासमेंट के वजह से बुखार हो गया, फिर ऊपर से गैस भी हो गया पेट में। लेकिन हम मम्मी को क्या बोले, मम्मी आपने बहुत साल से व्रत कर रही है तो इस बार ना व्रत शुरू लास्ट कर लीजिए। तो मम्मी क्या बोल रही है,
नहीं नहीं हमको व्रत में ही तबियत ठीक हो जाता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किस किस का व्रत तो तबियत ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है आज मम्मी का, तो हमको लग रहा था मम्मी दवाई ववाई खाएगी, तो मम्मी हम कुछ नहीं खाएंगे हम ठीक हो जाएंगे ना मम्मी, कल से अच्छा लग रहा है। चलिए अब मिलते हैं, जाएगा भगवान रूम भगवान का भोग लगाने के लिए, बच्चा लोग खा लेता है तब हम लोग फलाहार करेंगे। ये आलू बनाए हैं, 9 बज रहा है, जा रहे फटाफट फलाहार करेंगे, बच्चा लोग सब खा, बच्चा लोग को खाना दे देते हैं पहले, उसके बाद शांति से फलाहार करते हैं। मतलब बच्चा लोग खा लेता तो ठीक रहता है, अच्छा लगता है, नहीं तो खुद फलाहार करने बैठो। मम्मी हमेशा से की है, पहले सबको खाना पीना दे के शांति कर देती है, फिर उसके बाद फलाहार लेती है। प्रसाद भगवान का भोग लगाने आई हूँ, अभी हम लोग फलाहार करेंगे उसका। आलू पेपे है, धनिया बादाम है, साबुदाना है। अब जा रहे हैं हम लोग फलाहार करेंगे, फिर फटाफट सोएंगे, फिर सुबह जल्दी उठना है। मिलते हैं फलाहार करने के बाद। गाइस तो अभी रात के बज रहे हैं 10 और मेरा अभी फलाहार वलाहार सब हो चुका है, बच्चा लोग सब खा लिया है। आज पहला दिन था, बहुत ही अच्छा से गया, बहुत ही सुंदर से गया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज मम्मी का भी गाना रिकॉर्ड हुआ है, तो रोज़ रोज़ सुबह 8 बजे आप लोग को लेविझा चैनल पे, आप लोग को सुबह 8 बजे आप लोग को माता रानी का गाना रोज़ मिलेगा। तो प्लीज़ जल्दी से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कल फिर नवरात्र का दूसरा दिन है, और यहाँ पे कलकत्ता में तो पंडा, यहाँ पे तो मतलब पूजा पाठ का जो होता है वो तो घर में, यहाँ पे मंदिर सब में तो यह मतलब दक्षिणेश्वर काली कालीघाट इस सब में रोज, मतलब यहाँ पंडाल तो पंचमी षष्ठी से स्टार्ट हो जाता है, षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी 4 दिन सब एकदम जो झूम के यहाँ पे, बाप रे, लोकल में हम लोग का लोकल में चलने का जगह नहीं रहता, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है। कलकत्ता तो मेरा शादी हुआ था उसके एक साल ना हम गए कलकत्ता में घूमने के लिए, मतलब जैसे पंडाल में भीड़ की वजह से मेरा ना सांस अटक जा रहा था, इतना भीड़। उस बार से मम्मी हमको हर बार बोलती है कलकत्ता चलोगे, हम बोले नहीं मम्मी। और दूसरा फिर एक बार गए तो हम लोग गाड़ी से नीचे उतर ही नहीं पाए, इतना पार्किंग का जगह नहीं था जो हम लोग उतर के दर्शन करने जाते। इस वजह से हम लोकल में घूमते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ।